चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में जानेंगे। तो नीति आयोग होता क्या है इसके बारे में बताता हूँ। तो नीति आयोग क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है या निकाय है बोल लीजिए, एक नया निकाय है। तो इसके पहले एक निकाय था योजना आयोग। तो योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया। क्या बोल रहा हूँ? योजना आयोग को मतलब समाप्त करके नीति आयोग लाया गया। तो केंद्र सरकार की योजना ही है, संविधान में इसका उल्लेखित है, लेकिन ये गैर संवैधानिक है। संविधानेतर निकाय है और गैर संवैधानिक भी है। वैधानिक नहीं है भैया, वैध नहीं है। संविधान में उल्लेखित नहीं है मतलब संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं, इसको संवैधानिक निकाय नहीं है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है? गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। और ये जो इसकी एक योजना है का जो समाप्त 13 अगस्त को 2014 को योजना आयोग को समाप्त किया गया था। जो योजना आयोग बना था, योजना आयोग को समाप्त करने के बाद इसको लाया गया मोदी जी द्वारा। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब बने थे ना, उसी टाइमिंग लाया गया था, जब पहला कार्यकाल उनका चालू हो रहा था मोदी जी का, उसके बाद ही उसी टाइमिंग में इन्होंने इसको समाप्त करके ये गैर संवैधानिक इसको निकाय को लाया उसी के स्थान पर, मतलब एक नया रूप देने के लिए। जो 65 साल पहले का जो चल रहा था योजना, पुराने जो योजना चल रहा था। तो नीति का इसमें देखिए, नीति आयोग का नीति आयोग मतलब क्या? नीति आयोग मतलब क्या? नेशनल नेशनल है इंस्टीट्यूशन। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है? इसका नीति है। नीति आयोग का मतलब पूरा फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब लाया है बोलता हूँ, 1 जनवरी 2015, 13 अगस्त 2014 को योजना समाप्त। अभी इसको लाया क्यों गया, लाने का उद्देश्य क्या था, तो इसको थोड़ा बता देता हूँ। ये जैसे कि योजना जैसे कार्य कर रहा था ना, कोई की मतलब एक संकल्प कोई लिया गया है 5 साल का, उस टाइम में उन लोग लेते थे। तो 5 साल का संकल्प को उसको क्रियान्वित करने के लिए, सृजित करने के लिए, या निकाय मतलब सृजित किया गया। तो उसी टाइप का ये भी है। तो भारत सरकार का ये कोई संकल्प लिए, कोई योजना बनाए, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक टाइमिंग दिया जाए, समय अवधि, उस समय अवधि के अंतर्गत में इसको कंप्लीट कराया जाता है। तो इसका देख रेख मतलब ये इसी निकाय के द्वारा किया जाता है, निर्देशात्मक के रूप में डायरेक्शन करता है कि ठीक ठीक तरह से, मतलब कोई मतलब कहीं की योजना किसी राज्य का या किसी केंद्र शासित प्रदेश का ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, इसको याद रखना। ये दीर्घकालीन भी जो नीतियां जो क्या करता है, नीतियां जब बनाता है ना, तो एक तो रणनीतिक रूप से भी बनाता है और दीर्घकालीन भी इसके द्वारा बनाया जाता है, इसको याद रखना। और प्रकल्प ये तैयार करता है, इसको याद रखिएगा। और ये क्या कहता है? प्रासंगिक जो तकनीकी सलाह भी देता है, प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी इसके द्वारा क्या किया जाता है, सलाह भी इसके द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है, इसको याद रखना।
समझ गया इसमें का, मैं जो बोल रहा हूँ इसमें का प्रासंगिक जो भी, अगर उसको लगता है उस संबंध में कोई विशेष है विषय है तो प्रासंगिक रूप से सलाह देता है, इसको याद रखना। चलिए हो गया है ना। तो अब तर्क संगत इसको मानसिकता क्या थी इसको लाने का, ये भी बता देता हूँ। तो नीति आयोग की स्थापना करने का वही है कि जो पिछले जैसे के, जैसे कि सामाजिक उनकी प्रौद्योगिकी कैसी चल रही है, राजनीतिक कैसा है, आर्थिक कैसा है, तो उनके विकास संबंधी कोई मामला हो उसको देखने के लिए इसको संकल्पों का मतलब पारित किया गया, इसको लाया गया। इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, इसको याद रखना। अध्यक्ष कौन होता है इसका, प्रधानमंत्री होता है, इसको याद रखना। अब इनमें जैसे गठन उठन के देखोगे ना, तो इनमें गठन के, गठन का बताता हूँ इस, गठन गठन के अंतर्गत में क्या कहते हैं। गठन में एक तो अध्यक्ष होता है, पहला तो अध्यक्ष होता है, फिर एक परिषद भी होती है, उनके परिषद भी होती है, अध्यक्ष और परिषद, शासी परिषद जिसको बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल, एक ऐसा गवर्निंग काउंसिल होता है, और एक जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं, क्या बोल रहा हूँ इसमें का, क्षेत्रीय परिषद, पहला क्या अध्यक्ष, दूसरा आपका शासी परिषद, और तीसरा आपका क्षेत्रीय परिषद, तीन हो गए। एक विशिष्ट आमंत्रित जो भी होते हैं उसमें जरूरत के हिसाब से, अपने हिसाब से, योग्यता के अनुसार से प्रधानमंत्री क्या करता है, नामित करता है, उसको नहीं लिख रहा हूँ इसमें का। एक पूर्णकालिक संगठित ढांचा होता है, पूर्ण संगठित ढांचा होता है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखिए। ये गठन हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या बोला इसमें, पहला तो अध्यक्ष रहेगा, अध्यक्ष कौन रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, प्राइम मिनिस्टर हमारे क्या है मोदी जी आपका, इसके अध्यक्ष रहेंगे। और जो शासी परिषद होगा तो इसमें जो होंगे जो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री, और विधायिका के जो जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, आंध्र के केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों के जो उपराज्यपाल है। अब इसमें तो मुख्यमंत्री और उसमें दोनों रहते हैं, इसमें इनका थोड़ा विशेष टाइप का है, दिल्ली और पुडुचेरी में विधायिका संबंधित इसमें रहते हैं, लेकिन कई सारे में उपराज्यपाल है, तो उपराज्यपाल इसके क्या है, वो शासी परिषद में सदस्य के रूप में रहेंगे, इसमें क्या रहेंगे, सदस्य के रूप में इसमें सम्मिलित रहेंगे, इसको याद रखना आप, समझे मैं जो बोल रहा हूँ। इसमें पीएम क्या रहेगा, अध्यक्ष रहेगा, परिषद में शासी में इसमें क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे, सभी जितने मुख्यमंत्री हैं या किसी में राज्यपाल जो मेन जो रहेगा वो शामिल होंगे। अब जैसे इसमें जो गठन, जो परिषद, क्षेत्रीय परिषद जो उस क्षेत्र में आएंगे, जैसे कि परिषद का तो गठन हो कर लिए है ना, एक क्षेत्रीय परिषद भी गठन होता है, तो जैसे कि एक से अधिक राज्य है, कोई मुद्दा जैसे समाधान को करना है तो किया जा सकता है। अब इसमें पेश होगा जो इस मतलब क्षेत्रीय परिषद में, तो एक से संबंधित दूसरे मतलब एक दो तीन राज्यों का मतलब मामला आ रहा है, तो सबको मतलब उसको कलेक्ट करके क्या है, समाधान मतलब किया जा सकता है, विशिष्ट मुद्दे रहेंगे, तो ऐसे वो फालतू चीज़ रहेंगे उसमें सब कुछ नहीं होगा, उसमें उन लोग उसमें नहीं देख पाए। निश्चित कार्यकाल इनका होता है, और जो उनका जो संयोजकता कौन करता है आपका, सब प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, और राज्यों का जो जो राज्य स्तर पर होता है मुख्यमंत्री और केंद्र शासित में उपराज्यपाल, इसमें सभी क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं, जो पहले बता चुका हूँ उसमें मैं, उन्हीं द्वारा ये क्या होगा, जो सभापति जो अध्यक्ष रहेंगे उनके अनुसार, और भी अगर ज़रूरत होगा ना तो उनके अनुसार नामित कर सकता है। ठीक है, जो जो व्यक्ति उनको ज़रूरत लगी कि भैया हाँ ये काम का बंदा है तो इसको ले लीजिए, तो ऐसे मतलब ये क्या करता है, ये प्रधानमंत्री मोदी, अभी मोदी क्या करेगा, वो मतलब नामित करेगा व्यक्तियों को, कहाँ से, उसके अपने ज़रूरत के हिसाब से, एक्स्ट्रा मतलब ज़रूरत पड़ा तो, नहीं पड़ा तो
रहने दो भैया, जितना है उतना, समझे इसमें का ऐसा रहता है इसका। पूर्णकालिक संगठित ढांचा कैसा रहता है अब इसमें, जैसे प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के अब जैसे कि हैं अभी वर्तमान मान लो, तो एक उपाध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष भी होता है, अध्यक्ष तो होता ही है, एक उपाध्यक्ष भी होता है, तो ये कौन करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है उसको। अभी मोदी मतलब नियुक्त करेगा, क्या करेगा आपका जो मतलब एक सहायक के सहायिका बॉडी के रूप में मतलब रहेगा, अब इसका नाम नहीं याद आ रहा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष मेरे ख्याल से उसका नाम ये मैं कभी कंफर्म, अरविंद अरविंद कुछ नाम था उसका था। तो ये जो अभी जो उपाध्यक्ष होगा ना वो कैबिनेट मंत्री के रूप में मतलब उन्हीं के समान उनको दर्जा प्राप्त होगा, जो कैबिनेट के मंत्री होंगे उन्हीं के समान उनको क्या होगा, दर्जा उनको मिलेगा, इसको याद रखना, समझे जी। ठीक, अब चलो मैं इसमें का और भी कुछ और विशेष बता देता हूँ। जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य बने, सदस्य कौन बताया था, मुख्यमंत्री बने और उपराज्यपाल बने, तो ये राज्य मंत्री के पद के समान होते हैं, जो पूर्णकालिक होते हैं, जो पूरे कार्यकाल के लिए बने हैं होते हैं, एक कार्यकाल पूरे 5 वर्ष मान लो तो 5 वर्ष के लिए रहेंगे, तो उनके समकक्ष मतलब ये पद उनका रहता है, अलग से मतलब उनको दिया जाता है, नीति आयोग में उनका बड़ा योगदान रहता है। और जैसे कि अंशकालिक सदस्य भी उनके द्वारा चुना जाता है ना, अंशकालिक सदस्य मतलब क्या, जो अधिकतम दो हो सकते हैं, दो अधिकतम दो हो सकते हैं, जो उसको कहाँ से यूनिवर्सिटी का कोई रहेगा व्यक्ति, जैसे कि कोई शोध संगठन हो गया है ना, या कोई कोई संस्था बनी हुई नई संस्था से, तो उनको क्या पदेन सदस्य के रूप में उनको नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उनका यूनिवर्सिटी के जो रहेंगे ना, जो जो प्रमुख रहेंगे, यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहेंगे, उनको कैसे करते हैं इन लोग अंशकालिक सदस्य, मतलब थोड़े समय के लिए सदस्य तो बना लेते हैं, लेकिन उनका नियुक्ति चक्रानुगाम होता है, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट मतलब भर्ती ले ले एक व्यक्ति, कोशिश करेंगे और बारी बारी ऐसे पलटते चलेगा, समझे, मतलब बारी बारी एक एक व्यक्ति को लिए हैं, फिर अगर वैसा नहीं रिपीटेड है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बारी बारी ऐसे करके क्रम अनुसार घूमते रहता है। प्रधानमंत्री भी इसके अलावा भी 4 सदस्यों को और अधिकतम जो मंत्री परिषद से चुनता है, वो क्या करता है, 4 मंत्री परिषद से और चुनता है सदस्य, मान लो मंत्रिमंडल का नहीं बोल रहा हूँ, मंत्री परिषद का बोल रहा हूँ, मंत्रिमंडल अलग है, तो मंत्री परिषद से 4 लोगों को और अदर एक्स्ट्रा मतलब अभी मोदी उसी चुनेगा, अभी चुनता है, अभी चुना होगा, अभी जब वो बनाया होगा तो इसको संगठन को क्या किया होगा, 4 मंत्रिपरिषद को सदस्य को अलग से वो नामित किया होगा, इसको याद रखना। जो उपाध्यक्ष को चुनेगा वो अलग है, जो शासी परिषद का अलग है, क्षेत्रीय परिषद जो आता है उसमें जो सम्मिलित होंगे, जो अधिकार होंगे वो सभी मुख्यमंत्री इसमें अंदर में आएंगे, समझ गए। और ये क्या करते हैं, सचिवालय एक तो रहना चाहिए, कार्यालय भी बनाया जाता है इन लोग के द्वारा, अरे कार्यालय होगा नहीं तो बैठेंगे कहाँ इन लोग, तो कार्यालय भी इन लोग के पास मतलब होना चाहिए, ये नियम बना है, बता रहा इसका होता कहा है। अब इन लोग के कई सारे जो शाखाएं भी इन लोग बांटे रहते हैं, शाखाएं उनके शाखाएं भी रहती हैं, जिसमें उन लोग कई सारे शोध उद भी करते हैं, जैसे परामर्श देना किसी को समाधान समस्या का, कोई निजी समस्या हो गया, कोई विदेशी लोगों से आ रहे समस्या रहे, प्राथमिक लेवल का है या अन्य संसाधनों का, जैसे उद्योग संबंधित कोई मामले हो गए, कृषि से संबंधित कोई मामले हो गए, या और जैसे कोई नया विधि विधि बनता है तो उससे संबंधित कोई मामले हो, मंडी उंडी संबंधित कोई मामले हो, तो इन संबंधी मामलों को परामर्श रूप में मतलब उसको शाखा को अलग अलग बांट दे। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे तो विशेषज्ञ मतलब विशेषज्ञता के अनुसार तो अलग अलग क्षेत्र में बांटते हैं, शोध कार्य जैसे किसी चीज को करना रहता है, जैसे कि आंतरिक मामला होगा,
पहला तो इसमें ये इनकी शाखाएं के रूप में बता देता हूँ। इसमें तो शाखाएं के रूप में ये दो है, एक तो पहला इसको याद रख लेना, शोध वाला, शोध शाखा, ठीक है। एक तो दूसरा याद रखना आप लोग, परामर्शी, परामर्शिता शाखा, ये दो हो गया। एक ऐसी कुछ भी नाम हम लोग दे सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे मान लो टीम इंडिया रखती है, इंडिया का मतलब शाखा, इंडिया नाम से एक शाखा जोड़ दी इसमें। तो ये सभी क्या हुए, अलग अलग शाखा, शोध शाखा हो गया, परामर्शिता शाखा हो गया, टीम इंडिया शाखा, तीन शाखा को मैं अलग अलग बांट दिया। अब इन सभी का उद्देश्य भी होता है अलग अलग, और अलग अलग व्यक्ति होते हैं उनमें, अलग अलग उसमें अलग अलग कार्य देखेंगे उन लोग, तभी तो उतना सारा काम एक व्यक्ति थोड़ी कर पाएगा। देश में इतना प्रॉब्लम चल रहा है अभी, कितना चल रहा है अभी। अब वहाँ का आदमी मतलब मान लो आ रहा है, कहीं कभी एक राज्य का आ रहा है, एक राज्य में एक ही व्यक्ति थोड़ी है, कितने लोग आदमी आ रहे हैं समस्या को लेकर, इधर आ रहे हैं उधर आ रहे हैं, वो सबको कहाँ रखे। तो इसीलिए अलग अलग उसको विभाग में बांट दिया गया, ताकि इधर का व्यक्ति उधर देखे, उधर का व्यक्ति उधर देखे, ऐसे समझ गए। अब जो इसको अभी तो थोड़ा बता देता हूँ, ये शोध कार्य है ना, इसको विद्वानों के लिए रखा गया, जो विशेष विषय जो विषय लाएंगे वो लोग, जो विधेयक उधेयक टाइप का लाएंगे, थोड़ा महत्वपूर्ण विधेयक, मतलब आंतरिक क्षेत्र मतलब रहेगा, उनको विकास करने के लिए कोई मुद्दा लाएंगे शोध उत्त कार्य के लिए, इसमें रहेंगे, इसमें जाएंगे उसमें, ठीक है। परामर्शिता शाखा रहेगी, तो इसमें क्या रहेगा, जो विशेषज्ञ रहेगा, कोई पैनल उनल की एक मंडी उन्नी की उपलब्ध कराता है। अगर इसमें क्या करता है, कोई विशेषज्ञ रहेगा ना, तो पैनल का एक मंडी उस उपलब्ध कराएगा, पैनल बैठाएगा, तीन चार लोग का जितना भी पैनल बैठेंगे, तो उस पैनल का उपयोग इन लोग केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग तरीके से करते हो, अपनी जरूरत के अनुसार संपादित करते हो। और जो आता है ना, तो उसी टाइम में इन लोग क्या करते हैं, समस्या जो भी आती है मुद्दे, उसमें उनके द्वारा समस्या का समाधान करते हैं, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे निजी हो, चाहे देशी देश के हो।